आधार कार्ड को अनिवार्य बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कुछ अहम सवाल पूछे हैं। आधार को अनिवार्य करने के मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कहा कि कोर्ट सरकार के इस तर्क से सहमत नहीं है कि सिस्टम के हर मर्ज की दवा आधार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आधार करोड़ों रुपए के बैंक धोखाधड़ी में कारगर नहीं है, क्योंकि लोन लेने वाले और फिर धोखाधड़ी करने वाले व्यक्ति के बारे में पहले से ही जानकारी होती है। कोर्ट ने कहा कि लोन लेने वाला कानूनी तरीके से लोन लेता है और उसकी पहचान को लेकर आधार कोई विशेष मदद नहीं करता। कोर्ट ने पूछा कि आधार इसको कैसे रोक सकता है। कोर्ट के सवालों के जवाब में सरकार के वकील ने कहा कि आधार बेनामी संपत्ति और अवैध लेनदेन को रोकने में काफी कारगर है।